नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुकराम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है भारत में हुई कोरोना से जो मौत उसको लेकर। उसने कहा है कि भारत में 50 लाख से ज्यादा मौत हुई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा सिर्फ 3 लाख कह रहा है। इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे, आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 25 मई को अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने बताया कि भारत में कोरोना से मौत जो है वो तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा है, और सरकारी आंकड़ा जो वहाँ की सरकारें हैं वो इसे सिर्फ 3 लाख तक समेट रही हैं। देखा जाए तो गड़बड़ तो एक आसान शब्दों में लगती है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आप लोगों ने शमशानों में, कब्रिस्तानों में, तालाबों में देख रहे थे, हर शहर, हर सिटी, हर गांव में जिस तरह से मौत का आंकड़ा आया, आप किसी भी रिश्तेदार से आप पूछते होंगे फ़ोन करके कि आपके गांव में कितनी मौत हुई, तो कहता है भाई 20-25, शहरों में सैकड़ों की तादाद में, और बड़े मेट्रो सिटीज़ में हज़ारों की तादाद में। इस तरह से आंकड़ा लगातार हुआ है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। आप लोगों को पता ही है, अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। हालांकि उसमें ये कहा जा रहा था कि कोरोना से जो डेथ हुई वो कुल हज़ारों की तादाद में, 4 से 5 हज़ार की, लेकिन फिर ये रिपोर्ट किस बेस पे छपी है? आपको लोगों को लगता है कि आज वाकई 3 लाख मौत हुई है, या जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है वो ज़्यादा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा अपने मीडिया रिपोर्ट्स में, और उसने 3-4 सर्वे कराए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इस वक्त विदेशी मीडिया ज़्यादातर कवरेज कर रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा BBC हो, CNN हो, तमाम अन्य न्यूज़ चैनल जो हैं वो भी लगातार भारत में जो कोरोना की हालात है उसको लगातार कवरेज कर रहे थे। तो मीडिया, इसका ये दावा है न्यूयॉर्क टाइम्स का कि उसने 3 अलग अलग सर्वे कराए हैं, और आंकड़ों के हिसाब से जो 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 चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर ये डाटा बताया, और सरकार झूठ बोल रही है। पहले सरकार अपनी अव्यवस्था को लेकर किरकिरी का सामना कर रही थी, उसके बाद जब गंगा में या और नदियों में लाशें बहाई गई उसको लेकर किरकिरी हो रही थी सरकार की, उसके बाद वो अब चुनाव की अपनी जो उसकी चुनाव मंथन है उसमें लग गई, उसको लेकर भी किरकिरी हो रही है। इसी को लेकर तमाम चीज़ें देश में हो रही है, और अब ये एक और आंकड़ा कि देश में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा की मौत हुई, ये एक बहुत ही भयंकर और चौंकाने वाला आंकड़ा है। अखबार ने यह भी कहा कि भारत में न तो टेस्टिंग ठीक तरीके से हो रही है, और न ही मरीज या मौत का रिकॉर्ड ठीक तरीके से रखा जा रहा है। ऐसे में सही आंकड़े का अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उसमें अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं। कोरोना के बहुत से मरीज घर पर ही दम तोड़ रहे हैं, और गाँव में होने वाली मौतें भी सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो रही है। देखा जाए तो अखबार की बातों में बहुत सच्चाई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तरह से आंकड़े लगातार पेश हुए, हम भी लगातार कवरेज करते रहे, और हमने भी देखा कि हाँ, यहाँ इस गांव में इतनी है, इस गांव में इतनी मौत हो रही है, इस गांव में इतनी, और ज़्यादातर लोगों से बात करने पर यही पता चला कि कोरोना के कारण हुई है, अस्पतालों से रोज़ाना इतनी मौत के आंकड़े हुई है। लेकिन सरकार अभी गोल मोल घुमाकर सिर्फ 3 लाख तक पहुंची है, जबकि ये इनका ये दावा कि हमने तमाम सर्वे किए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर ये आंकड़ा पेश किया है, जिसमें आंकड़ा 50 लाख पार कर रहा है। तो वाकई बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, और 50 लाख का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं होता, कई शहरों की पॉपुलेशन मिला के इतना ज़्यादा आंकड़ा होता है। तो इतने भयंकर हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई सरकार ने आंकड़ा छिपाया है, या न्यूयॉर्क टाइम जो कह रहा है वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।